आज के वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियर पावर प्लांट। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे काम करता है। मैं एक छोटी डिटेल्स भी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट बिल्कुल एक थर्मल पावर प्लांट के जैसा ही है, लेकिन इसका हीट जनरेटिंग करने का प्रोसेस उससे अलग है। तो स्टार्ट करते हैं आपकी हीट कैसे जनरेट करता है। हीट जनरेट करने के लिए फ्यूल लगता है, लेकिन फ्यूल कौन सा है? फ्यूल यहाँ पर इस्तेमाल होता है यूरेनियम 235। दुनिया का सबसे महंगा चीज अगर कोई है तो वो चीज ये है। यहाँ पर हम सिर्फ एक यूरेनियम को कहते हैं फ्यूल प्लेट। हम क्या करते हैं, इस यूरेनियम को सीरीज में रखते हैं और सीरीज में रखकर एक फ्यूल रॉड में डाल देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे रॉड को एक साथ रखते हैं हम, उसे कहते हैं हम प्रेशर ट्यूब। और बहुत सारे प्रेशर ट्यूब को हम कैलेंड्रिया में रखते हैं। अब ये जो कैलेंड्रिया है, यहाँ पर रिएक्शन होता है। रिएक्शन कैसे होता है बताता हूँ। उससे पहले इस कैलेंड्रिया के ऊपर रहता है सोडियम मेटल। अब सोडियम मेटल आगे क्या होता है हम देखेंगे, ठीक है। और ये जो सब कुछ सोडियम मेटल कैलेंड्रिया, ये सब कुछ को एक चेम्बर में रखा जाता है। उस चेम्बर का थिकनेस होता है 5 फीट कंक्रीट का चेम्बर होता है वो। अगर कुछ भी हुआ, अगर कुछ भी गलत हुआ, एक्सप्लोशन कुछ भी हुआ, तो उसी के लिए ये जो चेम्बर बनाया जाता है, ये बहुत ही मोटा बनाया जाता है। ये जो चेम्बर है, इसका थिकनेस होता है 5 फीट। यहाँ पर मैंने जो बताया, सब कुछ मैंने यहाँ पर बताया, अब इसके मदद से हम कैसे हीट को जनरेट करते हैं वो देख। हीट जनरेट होता है चेन रिएक्शन प्रोसेस से। अब चेन रिएक्शन प्रोसेस कैसे काम करता है, यहाँ पर देखो, मैंने एक यूरेनियम ले लिया है। जैसे कि मैंने आपको दिया क्या कि यूरेनियम को सीरीज में रखा जाता है, फिर प्रेशर ट्यूब में, फिर कैलेंड्रिया में, ठीक है। अब मैं आपको एक से समझाऊंगा, आप इजीली समझ जाओ। यहाँ पर एक यूरेनियम है। अब हम क्या करेंगे इस यूरेनियम के ऊपर बाहर से एक न्यूट्रॉन को हम स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। जैसे ही ये न्यूट्रॉन आकर इस यूरेनियम के ऊपर लगेगा, इस यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन बाहर निकलेगा एंड 2 यूरेनियम एटम बाहर निकलेगा। अब जो 3 न्यूट्रॉन बाहर निकला, वो न्यूट्रॉन आगे जाकर और 3 यूरेनियम से टकराएगा एंड उस यूरेनियम से 3 न्यूट्रॉन और बाहर निकलेगा एंड 2 यूरेनियम एटम बाहर निकलेगा, ठीक है। यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू चलता ही रहेगा, ठीक है। जैसे ही ये प्रोसेस चलेगा तो क्या होगा, इसके अंदर एक हीट जनरेट होगा। लेकिन अगर ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा तो क्या होगा, ये यहाँ पर इतना ज़्यादा हीट हो जाएगा कि ये एक्सप्लोड हो जाएगा, मतलब ये फट जाएगा पूरा। तो इस चीज़ को कंट्रोल, मतलब ये जो चेन रिएक्शन है, इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड का यूज़ करते हैं। अब ये जो कंट्रोलिंग रॉड होता है, ये बना होता है कैडमियम मटेरियल से। कैडमियम मटेरियल क्या करता है, यहाँ पर जो न्यूट्रॉन होता है, इस न्यूट्रॉन को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर न्यूट्रॉन नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पर जो प्रोसेस चेन रिएक्शन का जो प्रोसेस है, तो वही रुक जाएगा। अगर वो रुक जाएगा तो हीटिंग प्रोसेस खत्म हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है, और कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पर कंट्रोलिंग रॉड का यूज कर। अब ये हो गया हीट कैसे जनरेट होता है, ये तो हो गया। ये जो यहाँ पर यूरेनियम रहता है, ये पूरा का पूरा सोडियम मेटल के अंदर रहता है। जो हीट प्रोड्यूस होगा, उस हीट से सोडियम मेटल गर्म होगा एंड सोडियम मेटल को हम क्या करेंगे, एक पाइप की मदद से हम बाहर ले आएंगे, और बाहर ले आकर हम बॉयलर में लाएंगे। अब बॉयलर में पानी होता है, सोडियम मेटल क्या होता है, इस बॉयलर के अंदर से घूम कर पंप में जाता है, और पंप क्या करता है, इसे फिर से कैलेंड्रिया में भेज देता है जहाँ पर हीट प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ। तो ये एक कंटिन्यूअसली प्रोसेस चलता ही रहता है, ठीक है। बॉयलर में क्या हो रहा है, यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है, पानी इतना गर्म हो रहा है कि यहाँ पर स्टीम बन रहा है। अब ये स्टीम को हम आगे ले जाकर यहाँ पर जो टर्बाइन का ब्लेड है, उसके ऊपर डाल देते। जैसे ही हम टर्बाइन के ऊपर स्टीम को स्ट्राइक करते, तो क्या होता है, ये टर्बाइन घूमना स्टार्ट कर देता है एंड टर्बाइन के साथ जनरेटर हम कनेक्ट रहते हैं। अब जैसे ही जनरेटर घूमेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसफार्मर में भेजेंगे, ट्रांसफार्मर इसे स्टेप अप करके आगे ले जाएगा। लेकिन ये जो स्टीम है, वो स्टीम इस टर्बाइन ब्लेड के ऊपर टकराने के बाद स्टीम की जो एनर्जी है, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उस लो प्रेशर स्टीम को हम यहाँ पर कंडेंसर में लाएंगे। अब कंडेंसर में एक पंप की मदद से हम पानी को भेजते हैं, ठीक है,
अब वो पानी क्या करता है, स्टीम का जो हीट है उसे ले लेता है अपने अंदर एंड स्टीम को ठंडा कर देता है। जैसे स्टीम ठंडा हो जाएगा ये स्टीम से पानी में कन्वर्ट हो जाएगा एंड उस पानी को हम फिर से पंप में भेज देंगे और पंप इसे फिर से बॉयलर में भेज देगा एंड बॉयलर के अंदर से ये सोडियम मेटल जा रहा है तो क्या होगा, ये फिर से गर्म होकर स्टीम बन जाएगा एंड फिर से स्टीम को हम टरबाइन में भेज देंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडेंसर में देखो, कंडेंसर में हम पंप की मदद से पानी को भेजते हैं, ठंडा पानी को भेजते हैं, ये क्या करता है स्टीम का जो हीट है उसे लेकर खुद गर्म हो जाता है। ठीक है, अब उस गर्म पानी को हम क्या करते हैं कूलिंग टावर में भेज देते हैं। कूलिंग टावर में क्या होता है, इसे स्प्रे की हेल्प से हम एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं, भाप बनकर उड़ जाता है हवा में। यही होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट का वर्किंग प्रिंसिपल, बिल्कुल थर्मल पावर प्लांट की तरह ही है। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में क्या है, कोयला लगता है, यहाँ पर हमें यूरेनियम लगता है। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए सही है तो नीचे वाला जो सब्सक्राइब बटन उसे दबा दो, क्योंकि मैं जैसे ही नया वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा।